सिंगल स्टेप के इस वीडियो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम नजदीक आ रही है, किसको मद्देनजर रखते हुए हमने एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर एमसीक्यू स्टार्ट करने की निर्णय लिया है। उसी सीरीज का आज पहला वीडियो है। सो पहला क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट एप्रोप्रिएटली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स पर जो डिसेबिलिटी होता है, वो मैथमेटिक्स पर कमजोर होता है, उसको एसेस कैसे किया जाए, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसका सटीक तरीका क्या है, इसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। ऑप्शन फोर ऑप्शन दिया हुआ है, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसका आंसर होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैं दूसरे वीडियो में अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके ऊपर बात करूंगा। दो नंबर क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टैगलाइन है, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, ये टैगलाइन किससे आधारित है? एक्सक्लूसिव एजुकेशन, कोहेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन। ये आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होता है, जिसके पास बहुत टैलेंट होता है, उसको किस क्वेश्चंस के तरह नजर देना चाहिए? एनालाइजिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिंग। सो आंसर होगा क्रिएटिंग। फोर नंबर क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विथ। बच्चे का जो लेटर्स की सीक्वेंस जानने के जो डिफिकल्टी होता है, जैसे कोई सीएटी कैट पढ़ता है, कैट होता है तो उसको पढ़ते हैं टीएसी और टीसीए, ऐसा उसको देखता है। और ये एक बीमारी है, इस बीमारी का नाम क्या है? इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ टू फैक्टर थ्योरी इज। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न, थॉमसन। टू फैक्टर थ्योरी, इसका प्रवक्ता कौन है? ये होगा स्पीयरमैन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिसलेक्सिया, इंक्लूसिव एजुकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने के बाद और एक एमसीक्यू का पार्ट ले आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर लेके प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझको कमेंट करिए और मुझको csinha651@gmail.com इससे ईमेल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।